नमस्कार, मैं राजू वर्मा, आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर 24 न्यूज। कराते रूबरू आपको झालावाड़ की ताजा तरीन खबरों से। भारी मंडी आगामी पंचायत राज चुनाव को लेकर पैरा मिलिट्री फोर्स एंड पुलिस ने नगर व पछवाड़ में फ्लैग मार्च निकाला। सीआई महेंद्र मीणा ने बताया कि आगामी चुनाव में शांतिपूर्ण रूप भय मुक्ति मतदान करवाने के लिए पैरा मिलिट्री फोर्स एंड पुलिस के जवानों ने नगर के मेला मैदान से फ्लैग मार्च निकाला गया, जो नई सब्जी मंडी, गर्ल्स स्कूल चौराहा, स्टेशन तिरा, बालाजी चौराहा, संस्कृत स्कूल चौराहा, टगर चौराहे होते हुए पुलिस थाने पहुंचकर समाप्त हुआ। इसी प्रकार पछवाड़ में भी प्रमुख मार्गों पर फ्लैग मार्च निकाला, जिसमें रैपिड एक्शन फोर्स के सहायक कमांडर मानु प्रसाद मीणा, पुलिस थाने के SI हरि सिंह मौजूद थे। भारी मंडी नगर के राजस्थान टेक्सटाइल मिल में HDFC बैंक द्वारा रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। शिविर का शुभारंभ मिल के एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट HM वशिष्ठ ने किया, जिसमें मिल के स्टाफ एवं कर्मचारियों ने 60 यूनिट रक्तदान किया। इस दौरान सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सुनील शर्मा, वाइस प्रेसिडेंट दिनेश राजपुरोहित, YD तिवारी, जनरल मैनेजर IR अरविंद मिश्रा मौजूद रहे। भारी मंडी के पंचायत समिति में आज जनरल सुनवाई कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें अध्यक्ष HDM राजेश दागाने की जन सुनवाई में सचिव, पटवारी, सभी विभागीय अधिकारी मौजूद थे। इसी दौरान पंचायत में चल रहे सरकार के काम को लेकर भी समीक्षा की गई और आने वाले चुनाव में अगर कोई प्रतिनिधि, सरपंच या मेंबर का चुनाव लड़ता है तो उसके परिवार में शौचालय होना आवश्यक है और इसका शपथ पत्र भी देना होगा। भारत सरकार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, पत्र सूचना कार्यालय से आज क्षेत्र में मीडिया सम्मेलन आयोजित हुआ। झालावाड़ के मानसिक रिसोर्ट के अंदर जिले के सभी पत्रकारों ने शिरकत की। इस दौरान जयपुर से अपर महानिदेशक सूचना कार्यालय जयपुर से डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल, गौड़ आयुष्मान भारत प्रेम भारतीय निर्देशक सूचना कार्यालय सामाजिक आर्थिक योजना प्रेम मीडिया दैनिक भास्कर इमरान खान वीडियो अतिथि रहे। इसी दौरान 3 घंटे तक चली कार्य वार्तालाप में पत्रकारों ने अपनी अपनी समस्याओं को अवगत कराया और जिन्होंने आमजन के लिए जो खबरें करी है उनको भी बताने का प्रयास किया। सरकार की केंद्र सरकार की जल कल्याण योजनाओं के बारे में डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल ने जानकारी दी, किस तरह से प्रचार प्रसार इनका करना चाहिए। झालावाड़ जिले के जो क्षेत्रीय मीडिया प्रतिनिधि हैं उनके क्षमता संवर्धन, उनको केंद्र सरकार द्वारा क्रियान्वित योजनाएं हैं उनके बारे में विस्तृत जानकारी देने और महात्मा गांधी की डेढ़ सौवीं जो जनशक्ति मनाई जा रही है 150वीं जयंती, उस पर अधिक जानकारी देने के लिए ये मीडिया कार्यशाला आयोजित की। इसमें अलग अलग समूह और मीडिया प्रतिभागियों को केंद्र सरकार की योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। इसका प्रमुख उद्देश्य मीडिया क्षेत्र जो क्षेत्रीय मीडिया है उनके पत्रकारों पर क्षमता संवर्धन और उनसे इन योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में फीडबैक लेना भी है। झालावाड़ 5 दिसंबर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले तथा जिले के प्रभारी मंत्री रमेश चंद मीणा की अध्यक्षता में गुरुवार को सर्किट हाउस झालावाड़ में जन सुनवाई का आयोजन किया गया। जन सुनवाई के दौरान प्रभारी मंत्री ने कहा कि राजस्थान सरकार आम जन की समस्याओं का समाधान करने वंचित तथा पात्र व्यक्तियों को राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित करवाने के लिए कटिबद्ध है। प्रभारी मंत्री द्वारा जिला मुख्यालय पर आम जन की समस्याओं का समाधान करने के लिए जन सुनवाई करना सरकार की कटिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार अपनी बजट योजना
वह घोषणा के अनुसार किसानों को समयबद्ध तरीके से जिले के विकास में होने वाले सार्थक प्रयास करेंगे। उन्हें कहा कि जनसुनवाई में आए प्रकरणों का निश्चित समयावधि में निस्तारण करवाने के लिए जिला कलेक्टर के साथ मिलकर समीक्षा करेंगे। उन्होंने बताया कि करीब 30-40% प्रकरणों का निस्तारण मौके पर ही विभागीय अधिकारियों के माध्यम से करवा दिया गया है। राज्य स्तर पर लंबित प्रकरणों का भी शीघ्र निस्तारण करवाकर परिवादी को राहत पहुंचाई जाएगी। पहले दुनिया के झाला वार्ड के छाती के वार्ड के सबसे ज्यादा आए पूछे गए नाली। उन्हें नागेश्वर थाना क्षेत्र के रामपुरा गांव के मांगूलाल पिता कनीराम ने अज्ञात कारणों के चलते विषाक्त पदार्थ का किया सेवन। परिजनों ने ग्रामीणों की सहायता से सीएससी चौमेला पर इलाज हेतु करवाया भर्ती। तालुका विधिक सेवा समिति पिड़ावा मयंक पालीवाल के निर्देशानुसार मोबाइल वैन पिड़ावा न्याय क्षेत्र में स्थानीय सार्वजनिक स्थल समेत कई ग्रामीण इलाकों ग्राम पिड़ावा गोलियाबारी लक्ष्मीपुरा सरवर सरखेड़ी कल्याणपुरा रामपुरिया आदाखेड़ी पहुंची, जहां 370-400 ग्रामीण को विस्तार से बाल विवाह रोकने और इसके दुष्परिणाम एवं इसके लिए प्रावधानिक दंड संविधान की प्रस्तावना मूल कर्तव्य दिनांक 15/12/2019 को झालरापाटन में आयोजित होने वाले वृद्ध विधिक सेवा शिविर जल कल्याणकारी योजना और जल संरक्षण नशा मुक्ति बाल श्रम कानून मध्यस्थता लोक अदालत स्थायी लोक अदालत राष्ट्रीय लोक अदालत वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार पीड़ित प्रतिकर स्कीम एवं निःशुल्क विधिक सहायता एवं खुला बोरवेल दुर्घटनाओं को आमंत्रण आदि के बारे में कानूनी जानकारी दी गई, साथ ही प्रचार सामग्री का वितरण किया गया। तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झालावाड़ के तत्वाधान में मोबाइल वैन का संचालन विधिक साक्षरता के प्रचार प्रसार हेतु इसे तालुका विधिक सेवा समिति पिड़ावा के न्याय क्षेत्र में किया जा रहा है। तथा इसके नालसा और रालसा द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाओं को जो प्रचार प्रसार किया। खबरों में फिलहाल आज इतना ही, कल आपसे फिर रूबरू होंगे झालावाड़ की नई ताजा तरीन खबरों के साथ। प्रियजनों की स्मृति में श्रीमत संगीत भागवत कथा का होने जा रहा है आयोजन। दिनांक 12 से 18 दिसंबर तक होगा भागवत कथा का आयोजन। स्थान राधे कृष्ण मैरिज गार्डन भवानी मंडी। समय दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक। कथावाचक सुश्री मुरलिका जी मान मंदिर बरसाना वाली। राष्ट्रीय संत परम पूज्य श्री नरसिंह दास जी महाराज द्वारा भजन संध्या का भी होगा आयोजन। अधिक से अधिक संख्या में पधार कर भागवत कथा का लें लाभ। आयोजक भागवत प्रेमी परिवार भवानी मंडी।